भोजपुर जिला अंतर्गत संदेश थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के निवासी फौजी गजेंद्र सिंह श्रीनगर कश्मीर में जेसीओ पद पर तैनात थे। अचानक आए हार्ट अटैक बीमारी के कारण फौजी का देहांत हो गया। आज उनका शव श्रीनगर से दानापुर आर्मी कैंट लाए, उसके बाद उनके गांव नारायणपुर लाया गया। गजेंद्र सिंह 24 साल पहले फौज में बहाल हुए थे, अभी वह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जेसीओ के पद पर तैनात थे। जैसे ही फौजी गजेंद्र सिंह का शव गांव पहुंचा, पूरा गांव गमगीन हो गया। फौजी गजेंद्र सिंह के शव के साथ श्रीनगर कश्मीर से आए हवलदार जगदीप सिंह ने बताया कि हम लोग अपने ड्यूटी पर तैनात थे, अचानक सूचना मिला कि जेसीओ फौजी गजेंद्र सिंह का हार्ट अटैक आया है, तो हम लोग उनको अस्पताल ले ही जा रहे थे तो अचानक रास्ते में उनका देहांत हो गया। इनका पूरा परिवार जालंधर पंजाब में फौजी क्वार्टर में रहता था। इस घटना की सूचना हम लोगों ने उनके परिवार को दिया। वहीं उनकी पत्नी सुनीता देवी अपने पति के शव के साथ लिपट कर रो रही थी। बगल में उनका दो पुत्री एवं एक पुत्र 7 साल का पीयूष कुमार भी अपने पिता के शव को देखकर रो रहा था। वहां खड़े ग्रामीणों ने भी फौजी गजेंद्र सिंह के शव को देखकर रो रहे थे। फौजी गजेंद्र सिंह के बड़े भाई विमल सिंह ने बताया कि अभी 28 दिन पहले गांव से छुट्टी मनाकर उनका नया घर रांची झारखंड में बन रहा था, साथ ही उनका प्रमोशन जेएसयू में हुआ था। मेरा भाई सरल स्वभाव का था, अचानक मौत से पूरा गांव मरमाहत है। फौजी गजेंद्र सिंह के साथ दानापुर आर्मी कैंट से 5 सिपाही एक जेएसयू आए थे। फौजी गजेंद्र सिंह का छोटा पुत्र पीयूष कुमार अपने पिता का हिंदू रीति रिवाज से सोन नदी के तट पर दाह संस्कार के समय मुखागिन दिया। अपने पिता के हिंदू रीति रिवाज से मुखागिन दिया। इस अचानक हुए घटना से पूरे नारायणपुर गांव में गम का माहौल है। वहां आए ग्रामीणों ने बताया कि बहुत सरल स्वभाव के फौजी गजेंद्र सिंह थे, इनके अचानक देहांत से हम लोग पूरा गाँव बहुत दुखी है। कैसे क्या हुआ इनके साथ? छुट्टी पर थे अपना। अच्छा, ये छुट्टी पे थे? छुट्टी के दौरान हुआ। कब की घटना है ये? 2 दिन पहले की। और किस सेना में हैं ये? कोर्डनेस में, इंडियन आर्मी। मैंने कैसे पता चला आप लोगों को कि ये इनका माने देहांत हो गया है? इनकी फैमिली वगैरह से जनरल से मैसेज पास हुआ, हॉस्पिटल ले जाने के बाद। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पहले से बीमार थे क्या? अपने आवास पे हुए हैं इनके? हाँ। जहाँ क्वार्टर था इनका, ये अपने आवास पे ध्यान किए हैं? मैंने आवास से है ना कि ड्यूटी पीरियड में थे? नहीं नहीं, अपने लीव पे थे। लीव पर थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा हवलदार जगजीत सिंह। कौन से सेना से हैं? कोर्डनेस। कितना तारीख को, कब सूचना मिला था आपको? 19 के। कहाँ वो ऑफिस से फोन आया था? हाँ। क्या बोला लोग वहाँ से? ऑफिस से फोन नहीं आया। तो कैसे सूचना मिला? घर से कोई औरत किया। अच्छा। क्वार्टर से? अच्छा। क्वार्टर से कोई औरत किया, गजेंद्र कुमार मने नहीं रहे। ना ना, नहीं रहे नहीं। अच्छा। हमको बोला गया कि जल्दी सब परिवार आइए, गजेंद्र का तबीयत सीरियस है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो सीरियस नहीं थे, वो हमको इसलिए बोला गया कि घरबड़ा के पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, इसलिए ऐसा बोला गया। वो खत्म थे। कहाँ पे थे पोस्टेड? पोस्टेड श्रीनगर में थे, जलंधर में थे। अच्छा। क्या नाम पड़ेगा उनका जो देहांत किए हैं सेना में जो थे? गजेंद्र कुमार सिंह, नायब सूबेदार। आप कौन है उनके? हम बड़े भाई हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? विमल कुमार सिंह। घर कहाँ हुआ?